हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी रोग के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहे। तो बात करते हैं बीबीएल मैच नंबर 32 में टूर्नामेंट के दो सबसे टॉप टीम जो कि आमने सामने होने वाली है। लास्ट सेशन की दोनों टीम फाइनलिस्ट टीम है। तो बात करते हैं मैच नंबर 32 जो कि खेला जाएगा पर्थ स्कॉचर्स और बिस्मेनिट के बीच में, जहां पे पर्थ इस वक्त टेबल नंबर 2 पे स्टेबल है। टीम ने 7 मैच खेले जिसमें से 1 मैच हारा और 5 मैच जीत के आ रही है। टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के करीब है। वहीं पे बिस्मेनिट टेबल टॉप पे स्टेबल, जहां पे 8 मैच खेले जिसमें से 6 मैच जीत के आ रही है, 2 मैच कैंसिल हुआ था। टीम पॉइंट टेबल नंबर 1 पे स्टेबल। टीम अब तक एक भी मैच नहीं हारी है। टीम पहले ही प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। यह मैच 10 जनवरी को बीसवन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 88% रहेगा और टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 46% जीतने का चांस है, यहाँ पे बॉलिंग का भी 46% जीतने का चांस है। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 167 है, वहीं सेकंड इनिंग का भी एवरेज स्कोर 152 है। अब बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड, चेक करते हैं लास्ट 5 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स 4 मैच जीत के आ रही है तो बिस्मेनिट 1 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं बिस्मेनिट का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने टूर्नामेंट में अच्छा स्टार्ट किया और तहलका मचा रही है। टीम टूर्नामेंट में टॉप पे चल रही है, अभी तक एक भी मैच नहीं आ रहा, जहाँ पे टीम ने 8 मैच में से 6 मैच जीत के आ रही है। टूर्नामेंट की एकमात्र ऐसी टीम है जो अब तक नहीं आ रही है। लास्ट गेम में बात करें तो लास्ट में टीम ने होवर्ड को 1 रन से हराया था। टीम के टॉप बैटर हैं, जहाँ पे कॉलिन मुनरो टीम के लीडिंग रन स्कोरर है। लास्ट गेम में भी उन्होंने 56 रन मारे। तो ओपनिंग में बात करें तो जहाँ पे जॉस ब्रॉन है, मिडिल ऑर्डर में मैट रेंसो एंड सैम बिलिंग्स है। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो टीम हर मैच में स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। लास्ट गेम में टीम ने बॉलिंग के चलते ही मैच जीता, जहाँ पे पॉल वॉल्टर ने 2 विकेट निकाले थे, जहाँ पे सक्सेस बॉल्ट जो अब तक 13 विकेट लेकर टीम का लीडिंग विकेट टेकर है और तहलका मचाए हुए हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे जॉस ब्राउन है, कॉलिन मुनरो, मैथ रेंसो है, मैक्स विनी, सैम बिलिंग्स, पॉल वॉल्टर, मिचेल नेल्सन, सेक्सवेब बाल्टेड, स्पेंसर जॉनसन, मिचेल स्वेप्सन और मैथ्यू कुनेमैन है। अब इनके कुछ की प्लेयर की बात करें, जहाँ पे कॉलिन मुनरो जो कि एक बैट्समैन है, 6 मैच में 222 रन है, एवरेज 44 का है। वहीं दूसरी प्लेयर की बात करें तो स्वेनी जो कि बैट्समैन है, 5 मैच में से 142 रन है, एवरेज 35 का है। तीसरी प्लेयर की बात करें तो शेक्सपियर बार्ड जो कि एक बॉलर है, 6 मैच में 13 विकेट ले चुके हैं, इकोनॉमिक 6.8 का है। अब बात करते हैं दूसरी टीम पर्थ स्कॉचर्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। पर्थ स्कॉचर्स बीबीएल 12 के चैंपियन है। टीम ने लगातार 4 गेम में जीत के साथ टूर्नामेंट का स्टार्ट किया था, फिर एक हार मिली, उसके बाद टीम ने कमबैक करते हुए लास्ट गेम में थंडर को हरा दिया और टेबल नंबर 2 पे स्टेबल है। टीम की बैटिंग स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। ओपनिंग में बात करते हैं जहां पे जैक क्रॉली ने 58 रन की इनिंग खेली थी, व्हाइटमैन लास्ट गेम में फ्लॉप थे। वहीं लॉरी हिमस टीम को स्टेबिलिटी देते हैं। यंग बैट्समैन जहाँ पे एरन हार्डी टीम के लीडिंग रन स्कोरर है जो कि कप्तान भी है। टीम की बॉलिंग बेस्ट है। बॉलिंग यूनिट में टॉप क्वालिटी बॉलर से कॉपर कॉलिन जो लास्ट गेम में 3 विकेट लिए थे, जी डी चार्जेसन जो कि टीम को लीड करेंगे। टीम के टॉप परफॉर्मर जेसन बैंड्रोम जिन्होंने 9 विकेट लिए थे, अश्चनागर जो आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। वही ऑलराउंडर की बात करें तो एंडी टॉय जो टीम के एक्स फैक्टर है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे जैक क्रॉली है, व्हाइटमैन है, एरन हार्डी है, जॉस इंग्लिश है, लॉरी एवेंस, कूपर कॉनली, अश्चनागर, एंडी टॉय, जी रिचार्डसन और जेसन बैंड्रोम और लॉरी एवेंस, लांस मॉरिस है। अब इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे पहली प्लेयर का नाम बताएं तो एरन हार्डी जो कि एक बैट्समैन है, 7 इनिंग में 273 का रन है और एवरेज 54 का। वहीं दूसरी प्लेयर जॉस इंग्लिश जो कि एक बैट्समैन है, 6 इनिंग में 175 रन है, एवरेज 58 का। तीसरी प्लेयर की बात करें तो जेसन बैंड्रोम जो कि एक बॉलर है, 5 मैच में 9 विकेट निकाले, इकोनॉमिक 6.9 का है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, चलते रिसेंटली परफॉर्मेंस के देखते हुए विनर की बात की जाए। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच में बिस्मेनिट होगा, यहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।